रह के जो मेहमान चला जाता है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसी रंग में एक और अच्छे शायर से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। नजर एंड भी ने कहा था, सफर का फर्ज निभाने कोई ना आएगा, अगर गिरे तो उठाने कोई ना आएगा। सफर का फर्ज निभाने कोई ना आएगा, अगर गिरे तो उठाने कोई ना आएगा। सदा अजान की सुनकर नमाज पढ़ वरना तेरी नमाज पढ़ाने कोई ना आएगा। सदा अजान की सुनकर नमाज पढ़ वरना तेरी नमाज पढ़ाने कोई ना आएगा। आइए दोस्तों, मैं चाहता हूँ इसी लब लहजे के शायर, बिल्कुल इसी तरह से बहुत अच्छा मैसेज और पैगाम जिस की शायरी का हिस्सा है, मेरे मुराद जनाब इरफान नदीम साहब से है। बहुत अच्छे शायर आप से मुलाकात करवा रहा हूँ, एक मरतबा जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल। शरीक हो जाए, और मैं वही जोश और वही वलवला आपके अंदर देखना चाहता हूँ जो मुशायरे के शुरू में था। दोस्तों, शाहिनशाह कासदा हजरत सादिक शाह की सरजमीन पे मेरी कई बार हाजिरी हो चुकी है और आपकी मोहब्बतें मिली है। पढ़ता हूँ कि कितनी आला बताओ अजमत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कितनी आला बताओ अजमत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। देखकर देखकर माँ को मुस्कुरा देना रब के नजदीक की इबादत है। बताओ अजमत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत, देख कर माँ को मुस्कुरा देना रब के नजदीक ये इबादत है। और चार मिसरे और आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। और हमने देखा है दोस्तों, हमारे दोस्त अहबाब चौक चौराहे पे बैठ के वक्त गुजारी करते हैं, शब्द गुजारी करते हैं, वहीं से मतलब कहने की कोशिश की है। देखना दोस्तों, बहुत ही अपनी जिंदगी के करीब से मतलब मैंने कहने की कोशिश की है कि जागता है अगर इबादत कर, क्या बात, जागता है अगर इबादत कर, नींद यूं ही अपनी गारत कर। जागता है अगर इबादत कर, नींद यूं ही अपनी गारत कर। और जितनी जितनी करता है बीवी बच्चों से, जितनी करता है बीवी बच्चों से, उतनी माँ बाप से मोहब्बत कर। उतनी माँ बाप से मोहब्बत कर, उतनी माँ बाप से मोहब्बत कर, जितनी करता है बीवी बच्चों से, उतनी माँ बाप से मोहब्बत कर। दोस्तों, बहुत ही मौजूद शोरा कराम हमारे बीच बैठे हैं, मैं आखिरी चार मिसरे एक मैसेज आपको देता हूँ और अपना वक्त तो मैं हमारे मोहतरम शोरा के लिए देता हूँ। एक मैसेज इस चार मिसरों में बिल्कुल सच्चा मतला आप लोगों ने भी देखा होगा। पढ़ता हूँ के देखे तमाम शोरा कराम और आप लोगों की मोहब्बतों के साथ रुखसत होना चाहता हूँ कि वो एक शख्स बच्चे हैं जिसके गुलाब से, साबिर आफाक साहब, वो एक शख्स बच्चे हैं जिसके गुलाब से गुर्दे खराब हो गए उसके शराब से। एक शख्स बच्चे हैं जिसके गुलाब से गुर्दे खराब हो गए उसके शराब से। ये जिंदगी खुदा की अमानत है दोस्तों, इसको बचा के रखना नशे के अजाब से। जिंदगी खुदा की अमानत है दोस्तों, इसको बचा के रखना नशे के अजाब से। बहुत बहुत शुक्रिया।